हम है रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। वो क्या जानेंगे प्राकृतिक, उनको बुलाइए और दिखाइए उनको। शासन का कहर है, प्रकृति का नहीं, कुदरत का नहीं, कुशासन का कहर है, कुदरत का कहर नहीं है। ये पूरा आपका सीवरेज नेटवर्क बुटको का लाखों फर्नीचर डूबा है, लाखों का नुकसान हुआ, की संपत्ति बर्बाद हो, बर्बाद हो गई। उसका देंगे क्या नीतीश कुमार? कुछ नहीं देने वाले, ये पानी और मुआवजा मिलने वाला है क्या? कुछ नहीं। ये जो कहा जा रहा है कि ये प्राकृतिक आपदा है, हम क्या कर सकते हैं, ये नाकामी छुपाने की, हाँ ये नाकामी छुपाया जा रहा है, मैन मेड है, ये मैन मेड, ये निकम्मापन है, ये पूरे नगर निगम का। ये 6 करोड़ रुपया आवंटन हुआ उनको सफाई के लिए, क्या कर रहे थे वो? 365 करोड़ कहते हैं कि नाले पे खर्च हुआ है। 365 करोड़ में उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं, 40 साल में कितना बार ऐसा बारिश हुआ है, कभी हालत नहीं हुआ। करने जाते थे पानी से, काम करने नहीं जा रहे हैं, हम भूखे उखे रोड पर जो बांट रहे उनसे ले रहे हैं, खा रहे हैं। ये बताइए कि पापा का काम छूट गया है? हाँ छूट गया है। और स्कूल भी बंद है? हाँ स्कूल भी बंद है, बैंक भी बंद है, पैसा निकालने वाला सब कुछ ये बाहर से पूरा बंद हो गया है, इसीलिए हम सब पूरा हड़ताल हो गया था, इसीलिए जो रोड पर बांट रहे हैं उससे मांग के खा रहे हैं, अपना एथी प्यास बुझा रहे हैं, पानी उनी मांग कर। चलिए अभी आप देखिए कि किस तरह से मतलब लोग अपने घरों में के छतों पर शरण लिए हुए हैं, उन्हें भी पानी एक दो बोतल दे। तो इस तरह लोग छतों पर शरण लिए हुए हैं और जो राहत सामग्री लोग बांट रहे हैं उनके भरोसे ही इनकी जिंदगी चल रही है। ये पूरा चारों तरफ ये देखिए राहत सामग्री के लिए लोग किस तरह से टूट पड़ रहे हैं। इधर जो ये सब पौस ए लिया है पटना का, हम आपको बता दें कि ये पटना का पौस इलाका है, यहाँ की जो, अरे इनको दे दीजिए, बुजुर्ग को दे दीजिए। ये देखिए आप कितने अच्छे अच्छे यहाँ मकान हैं। हम बार बार कह रहे हैं आपको कि ये पटना का पॉश इलाका है और पटना के इस पॉश इलाके की दुर्गति आप देख रहे हैं, किस तरह से लोग हैं जो अपने घरों में कैद हैं, अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सर ये बताइए जो नहीं देखा उसको विश्वास नहीं होगा, मरने से मर जाता आदमी ज्यादा बेटर था, जो आज तकलीफ हम लोग को हो रहा है। स्टेडियम के पास जाके देखे, मेरा घर स्टेडियम है, हम भाग के आए हुए हैं यहाँ पर, स्टेडियम का मेरा पूरा प्रॉपर्टी डूब गया है। आज हमारे में और किसी या कहिए किसी में, धनी अमीर सब बराबर हो गया है, किसी के पास कुछ नहीं बचा है। जी सरकार कहती है कि प्राकृतिक आपदा है या कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, सरकार पूरी तरह फेल्योर है। ये नमामी गंगे का प्रोजेक्ट ये लोग पैसा बनाने के लिए किए हैं, टोटल पानी बाहर का आ गया है गंगा का, या दूसरे निचले इलाके का पानी आ गया है इधर और बर्बाद कर दिए सरकार। यदि स्वयंसेवी संस्था न रहे तो सारा राजेंद्र नगर का पब्लिक मर जाए। सरकार कह रही है, लोग कह रहे हैं जो स्वयंसेवी संगठन के लोग हैं कि 365 करोड़ रुपया नाले सफाई पे खर्च किए गए, खा गए लोग, टोटल आदमी खा गए पैसा। यदि 365 करोड़ खर्च हुआ तो कहाँ गया?
जी सरकार के लोग आके बताएं, नीतीश बाबू आके बताएं, सुशील मोदी यहाँ हमारे विधायक रह चुके हैं, आज उप मुख्यमंत्री हैं, वो आके बताएं 365 करोड़ कहाँ गया, जमीन के अंदर पाइप डाल के लोग खा गया पैसा। सुशासन की बात खोखली है, टोटली खोखली है, कोई सुशासन नहीं है। इस बार नीतीश बाबू को सोचना पड़ेगा इस क्षेत्र में आने के लिए, या हमारे विधायक माननीय विधायक हैं सुशील मोदी और अरुण कुमार सिन्हा, उनको फेंकना बाहर ज्यादा जरूरी है। आज तक झांकने भी नहीं आया है, अरुण कुमार सिन्हा, सामाजिक कार्यकर्ता लोग बांट रहे हैं। ये नेता लोग हैं बोलते कुछ है करते कुछ, हाँ एकदम बोलते कुछ और करते कुछ है। पिछले 25 साल से विधायक यहाँ पे अरुण कुमार सिन्हा या बीजेपी, और कहाँ है, कहाँ नाली पानी का व्यवस्था हुआ है? केवल ये लोग हवा हवाई में बात करते हैं, डिजिटल इंडिया बनाएंगे, स्मार्ट सिटी पटना बनाएंगे। पटना का सबसे पॉश इलाका है सर, सबसे पॉश इलाके में आपका घर था, आप रहते हैं, बताइए ये दुर्गति के लिए सीधे सीधे कौन जिम्मेदार है? बिहार सरकार जिम्मेवार है, हमारे विधायक जिम्मेवार हैं, हमारे सांसद माननीय सांसद जिम्मेवार हैं, जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के खास आदमी हैं वो जिम्मेवार हैं। ये जीत के चले गए, उसका एक दिन आए हैं, उसके बाद फिर यहाँ से उड़ के दिल्ली चले गए या बॉम्बे चले गए पता नहीं। नीतीश जी कहते हैं कि गंगा का पानी नीचे है, मुंबई में बारिश होता है, इंदौर में बारिश होता है, अमेरिका में बारिश होता है। हम एक चीज पूछना चाह रहे हो, मुख्यमंत्री बिहार के हैं कि अमेरिका के? अमेरिका के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार पागल हो गए हैं, टोटली पागल है। नीतीश कुमार अमेरिका के मुख्यमंत्री हैं कि मुंबई के हैं कि इंदौर के हैं? बारिश तो वहाँ भी होती है। अपनी नाकामी छुपाना चाहते हैं वो, अपनी नाकामी छुपा रहे हैं, छुपाना क्या चाहते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, हम लोग अपना हेल्प कर रहे हैं अपने व्यापारिक संघ से। ये बताइए कि मीडिया और जो स्वयं सेवी संस्था राहत कार्य चला रही है, उनको NDRF SDRF की टीम, कुछ नहीं, एक रुपया नहीं, ये सब नाकामी छुपाने का कारण, हाँ ये इन लोग का मैनेजमेंट सिस्टम गड़बड़ है। देखिए लोग जो है अपने घरों में, घरों की छतों पे खड़े होके टकटकी लगाए हुए हैं कि राहत सामग्री वाले आए तो उनसे कुछ खाने पीने का सामान ले लिया जाए। यहाँ ये VIP इलाका है, राजेंद्र नगर का सबसे पॉश इलाका है, और इस इलाके के लोग कह रहे हैं कि ये प्राकृतिक आपदा नहीं, मैन मेड आपदा है, और जो सरकार कह रही है कि ये प्राकृतिक आपदा है, वो सरकार दरअसल अपनी नाकामी छुपा रही है, वो सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूरी नहीं कर पाने की वजह से अनर्गल बातें कर रही है। ये भाई साहब कितने बोतल अपना पानी सुरक्षित किए हैं ताकि दो चार दिन चल सके, कहाँ से सर आप आ रहे हैं? मैं अपने घर से राजेंद्र रोड नंबर 10 ब्लॉक नंबर 6 फ्लैट नंबर 67 से आ रहा हूँ। घर में 1.5 फीट पानी कल तक था, आज जाके पानी निकला है, और इतना बुरा स्थिति है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और हमारे सरकार जो है सोई हुई है, और पानी निकालने का कोई प्रबंध नहीं हो रहा है। पिछले 4 दिनों से मैं रोज सुन रहा हूँ कि कोल इंडिया से पंप आ रहा है और उसको ये कर किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, श्री कृष्णापुरी का पंप कैसे काम कर गया, डाकबंगला का पानी कैसे निकला, क्या वो VIP इलाका है तो वो रविशंकर प्रसाद वहाँ रहते हैं तो उनका पानी निकल जाएगा, और यहाँ आम जनता यहाँ परेशान है हाहाकार मचा हुआ पानी के लिए। वो तो कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा, हम क्या कर सकते हैं? प्राकृतिक आपदा वो क्या जानेंगे, प्राकृतिक उनको बुलाइए और दिखाइए उनको। शासन का कहर है, प्रकृति का नहीं, कुदरत का नहीं, कुशासन का कहर है, कुदरत का कहर नहीं है। ये पूरा आपका सीवरेज नेटवर्क बुटकों का, लाखों फर्नीचर डूबा है, लाखों का नुकसान हुआ, की संपत्ति बर्बाद हो, बर्बाद हो गई। उसका देंगे क्या नीतीश कुमार? कुछ नहीं देने वाले, ये पानी और मुआवजा मिलने वाला है क्या? कुछ नहीं। ये जो कहा जा रहा है कि ये प्राकृतिक आपदा है, हम क्या कर सकते हैं, ये नाकामी छुपाने की, हाँ ये नाकामी छुपाया जा रहा है, ये मैन मेड, ये निकम्मापन है, ये पूरे नगर निगम का, ये 6 करोड़ रुपया आवंटन हुआ उनको सफाई के लिए, क्या कर रहे थे वो? 365 करोड़ कहते हैं कि नाले पे खर्च हुआ है, 365 करोड़ में उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं, 40 साल में कितना बार ऐसा बारिश हुआ है, कभी हालत नहीं हुआ, कुछ नहीं किए। कहा जा रहा है कि 365 करोड़ रुपए जो है नाले की सफाई पे खर्च हुए, क्यों ऐसे हुआ आप तो देख लीजिए ना, नाले की सफाई। कल तो NDRF के असिस्टेंट डायरेक्टर ये बात पुल पे बोल रहे थे कि हमने बहुत जगह रेस्क्यू किया, लेकिन ऐसा बुरा नगर निगम का स्थिति मैंने नहीं देखा कहीं। NDRF के असिस्टेंट कमांडेंट बोल रहे थे, वो कैसे बोल रहे थे ये बात? जी जी जी
आप क्या कहना चाहेंगे बिहार सरकार से? बिहार सरकार से ही कहना चाहेंगे कि आके एक बार देखें यहाँ की स्थिति को, अपने खुद समीक्षा करें आके, और नाव पे एनडीआरएफ को भेज रहे हैं, खुद आके मंत्री आए और देखें कि क्या स्थिति है लोगों की, क्या भयावह स्थिति है। एक चीज बताइए, महामारी फैलने की डर है। बात बात पे नेता लोग ट्वीट करते हैं, बात बात पे नेता लोग रिएक्शन देते हैं, कहीं दौड़ के चले जाते हैं। आपके उप मुख्यमंत्री एक बार भी इस पानी प्रभावित इलाके में नहीं आए, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्यों आएंगे, वो तो अपने आप को दिखा रहे थे कि मैं ही खुद फंसा हुआ हूँ। आप ये बताइए, संभव है 3 दिन तक डिप्टी सीएम बिहार का फंसा रहेगा वो पानी में? अगर डिप्टी सीएम 3 दिन तक फंसा रह रहा है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ये शर्मनाक बात है और ये क्रिएटेड है कि मैं खुद फंसा हुआ, ये जानबूझ के शो किया गया है पब्लिक को कि मैं खुद फंसा हुआ, इसलिए आप लोग ये मत समझिए कि आप ही लोगों के साथ दिक्कत है। मैन मुकेश कुमार सिंह और कोमल के साथ योगेश चक्रवर्ती, रेड नेटवर्क, पटना। हम है रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात।